सीधी जिले के खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए नए साल में एक अच्छी खबर आई, जहां जिला हॉकी टीम संघ की बैठक में एक ओर पदाधिकारियों की घोषणा की गई, वहीं दूसरी ओर एक नई हॉकी टीम भी बनाई गई। इस आयोजन के माध्यम से सालों से बंद पड़े जिला हॉकी संघ में एक बार फिर से जान फूंकने का काम किया गया है। इसके साथ ही खिलाड़ियों में नया जोश और उत्साह भी देखा गया। जबलपुर के कोच एवं जिला हॉकी संघ की उपाध्यक्ष पूनम सोनी, सूबेदार योगसेन गुप्ता के द्वारा इस बैठक का शुभारंभ किया गया। हॉकी संघ की बैठक सीधी के गंगोत्री होटल के हॉल में आयोजित की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं इंडियन हॉकी टीम की असिस्टेंट कोच रैना यादव भी प्रमुख रूप से मौजूद रहीं। बैठक में सीधी जिला हॉकी संघ की अध्यक्ष शंकर सिंह परिहार, उपाध्यक्ष गणेश सिंह परिहार के अलावा कई अन्य सदस्यों की भी उपस्थिति रही। इनकी मौजूदगी में जिला टीम गठित करने का निर्णय भी लिया गया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में जिला हॉकी संघ द्वारा खिलाड़ियों एवं समस्त प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। हॉकी खेल को आगे बढ़ाने के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने आश्वासन दिया है। इस मौके पर इंडियन हॉकी की असिस्टेंट कोच और राष्ट्रीय खिलाड़ी रैना यादव ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है। अगर सीधी जिले के खिलाड़ियों को सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई गईं, तो आने वाले समय में यह टीम निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन करेगी। का यहाँ खेल होता तो ये माखन मिश्रा जी की तरफ से बहुत अच्छी पहल की गई है, जिसमें हमारे शंकर भैया अध्यक्ष बने हुए हैं और जो टीम बनी है वो सारी टीम मिलके इस हॉकी के खेल को पुनः चालू करने के लिए और पूरी जो हमसे जितना बन पड़ेगा हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ माखन मिश्रा जी को, इनकी पूरी टीम को, कि इन्होंने नए साल की शुरुआत आप सभी सम्मानित जनों का उन्होंने वो किया, स्वागत किया, उनका सम्मान किया और ये नई सोच के साथ जो उन्होंने शुरुआत की है इस नव वर्ष में, हम सब उनके साथ हैं। फैमिली या बहुत नीचे तबके के लोग खेलते हैं क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, तो उनके पास प्रॉपरली इक्विपमेंट्स और हॉकी ये सब नहीं होता है क्योंकि वो सब कॉस्टली आता है। तो अगर ये जो टीम बनी है, जैसे हॉकी की टीम होती है, वैसे ही पूरी टीम है जो सीधी जिले की, जैसे मैंने भी देखा बहुत डिवोटेड लोग हैं, करना चाहते हैं उसमें आगे, और वो बंद हो गई थी, तो अगर वो लोग अपना सहयोग करें और सभी लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड करवाएं जिसकी ज़रूरत है, तो डेफिनेटली वो लोग मेहनत करेंगे तो टीम ऊपर आएगी। और मेरे ख्याल से अगर अच्छे से मेहनत करेंगे और सारी चीज़ें उनको मिलेंगी, सरकार या लोकल बॉडी उनको मुहैया करवाएगी, तो डेफिनेटली वो लड़कियाँ आगे जाएंगी, स्टेट के लिए भी करेंगी, अपना MP के लिए भी करेंगी और हो सकता है कि इंडिया के लिए भी प्रतिनिधित्व करें आगे जाके।